हेलो एवरीवन, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड बाय जी एल फ्यूंटस ऑफ क्लास 10 सीबीएसई। सो बेसिकली दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर। दिस चैप्टर इज अबाउट अ फार्मर्स फर्म फेथ इन गॉड। फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स। ही फील्स दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम, सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग टू सेंड हिम 100 पेसोस। तो बेसिकली ये एक स्टोरी है फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। ठीक है, जो फार्मर है उसका नाम है लेंचो और वो बहुत ज्यादा विश्वास करता है भगवान में, और हेल स्टोन होते हैं तो उसकी वजह से उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो उसके हिसाब से वो भगवान को एक लेटर लिखता है कि भाई मेरी मदद करो और मेरी फसल इस तरह से बर्बाद हो गई है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो इसके इर्द गिर्द ही ये कहानी घूमती है। ठीक है, सो वी शैल बिगिन विद दिस चैप्टर नाउ। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. अब यहाँ पर basically उनके घर की लोकेशन दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो घर है वो कहाँ है, क्रेस्ट पर है, टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी कि माउंटेन के एकदम ऊपर है, एक छोटी सी हिल है उसके एकदम टॉप पर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। अब यहाँ पर ये जो इनके घर की एक पोजीशन है उस पर ये दिखाया गया है, बताया गया है कि उसकी ऊंचाई पे वो घर है कि वहां से अच्छे से एक तो रिवर दिखती है और जो इनका खेत है नीचे जहाँ पर कॉर्न जो है भुट्टे जो है वो बेसिकली अच्छे से फल फूल रहे हैं, अच्छे से पक रहे हैं, उनके फूल जो है वो दिख रहे हैं, जो हमेशा अच्छी फसल होती है जिसके और उससे अच्छा उनको अमाउंट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है बेचने पर, वो चीज उनको दिख रही है, प्रॉमिसिंग वो सिनेरियो दिख रहा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। सिर्फ एक एक बारिश की, डाउनपोर एज इन की बारिश के लिए बोला जाता है, एक हैवी रेनफॉल के लिए बोला जाता है, वो उसकी जरूरत है। ठीक है, या एक हल्की फुल्की बारिश की जरूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरे टाइम जो है मॉर्निंग से लेंचो कुछ नहीं कर रहा था, अपनी फील्ड देख रहा था और ऊपर की तरफ देख रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अब कुछ नहीं करना है, अब बस बारिश का वेट करना है। नॉर्थ ईस्ट कि अब जो डायरेक्शन यहाँ से अधिकतर मॉनसून आता है वो एरिया देखना है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। अब यहाँ पर ये लेंचो जो है वो एक्सक्लेम कर रहा है कि हमें अच्छा पानी मिल जाएगा, बस थोड़े पानी की जरूरत है। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब बेसिकली यहाँ पे जब इसने ये एक्सक्लेम किया तो उसके बाद में विमेन जो है वो क्या बोल रही है कि हाँ, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो अच्छी बारिश मिलेगी। जो खाना पका रही है, सपर एज इन की एक इवनिंग मील जो है वो बना रही है। ठीक है, यस द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द विमेन कॉल टू देम ऑल। अब बड़े लड़के जो थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो उसके आसपास खेल रहे थे, घर के आसपास, जब तक खेलते रहे जब तक कि विमेन ने आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये उसी समय की बात है कि खाना जब पक रहा था और खाना पक गया तो उसकी मदर जो है उन्होंने बुला लिया, और फिर उसी समय जब वो एक्सक्लेम कर रहा था कि भाई बारिश की जरूरत होगी, जब बारिश आने वाली है, प्रिडिक्शन किया था उसने। ठीक है, उसी समय बड़ी बड़ी बूंदों से बारिश जो है शुरू हो गई, बारिश गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन में उसने प्रेडिक्ट किया था, जहां वो बार बार देख रहा था वहीं से काफी सारे बादल जो है वो आने लगते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट। हवा में जो है ठंडक है वो अच्छी लग रही है, फ्रेश है और स्वीट लग रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर द न्यू कॉइंस। अब यहाँ पर जब बारिश हो रही है तो वो आदमी बाहर गया उसको फील करने के लिए बारिश को अपनी बॉडी पर, तो वो ये बोल रहा है बारिश को अपनी बॉडी पे फील करते हुए कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं, यानी ये हमारी इनकम है, इससे हमें फायदा होने वाला है। इन बारिश बारिश तो चाहिए थी उसको, फार्मर था वो, उसके खेत में उसके पानी की वो जरूरत थी तो वो बारिश का ही वेट कर रहा था कि अच्छी बारिश हो जाएगी तो और अच्छी खेती होगी। तो बस उसी लिए वो बोल रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए कॉइन्स है। यू कैन यूज दिस लाइन इन योर आंसर। जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कोई क्वेश्चन आएगा, जब पूछा जाएगा कि भाई उसको फर्स्ट ट्रेन का कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस वो क्या बोलता है, तो आपको यही लाइन लिखनी है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस
एंड द लिटिल वंस आर 5. यहाँ पे ये भी बता रहा है बड़ी बूंद है जो वो 10 पीसेस है, 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटी है वो 5 सेंट्स है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब एक satisfied expression के साथ में वो बोलता है कि जो हमारी ये ripe corn है, जो भुट्टे की जो फसल है, वो जो पूरी तरीके से फूल उगे हुए हैं जैसे पीले पीले, वो ऐसा लग रहा है कि वो अब भीग करके बिल्कुल बारिश में एक पर्दे की तरह लग रही है जिसपे फूल लगे हुए हैं. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. अचानक से क्या होता है, चेंज आ जाता है वहां पर और बहुत तेज हवा चलने लगती है. जो अभी वहां पर अच्छी अच्छी बारिश हो रही थी वो चेंज हो गई है और अब वहां पर एक बहुत तेज हवा चल रही है जिसमें जिसके बाद में क्या हो रहा है वहां पर बड़े बड़े हेल स्टोन यानी ओले जो है वो गिरने लगते हैं. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, जो बिल्कुल वाकई में ही अब यहाँ पर एक आयरनी की तरह आप देख सकते हो कि जो एक बात उसने बोली थी कि हाँ ये जो है ये सिल्वर कॉइन्स की जरूर तरह जरूर लग रहे थे, वो बारिश की बूंदा तो वो अपनी एक तरीके से बोल ही रहा था, यहाँ पर अब उसके साथ में जस्ट ऑपोजिट ही हो गया है और वो वहां पे ओले गिर गए जिससे फसल बर्बाद हो जाती है. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. जो बच्चे बाहर एंजॉय करने गए थे रेन को, वो वापस आ रहे हैं फ्रोजन पर्ल्स यानी कि मोती जैसे जो ओली है वो लेकर के. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. अब लेंचो बोलता है ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ ये जल्दी निकल जाए, ये बंद हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर. द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली. अब यहाँ पर ये पास नहीं हुआ जल्दी, जो ओला गिर रहे थे ओले वो गिरना बंद नहीं हुए और वो करीब 1 घंटा सब जगह गिरते रहे, हाउस पे भी, गार्डन पे भी, हिल साइड में भी, कॉर्न फील्ड में भी और पूरी वैली में. द फील्ड वॉज वाइट, अ पूरा जो खेत पीला दिख रहा था फूलों से, कॉर्न की जो फूल थे उनसे जो पूरा पीला दिख रहा था, अब वो पूरा व्हाइट हो गया था. एज इट कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे कि वो नमक से कवर कर दिया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी लीफ नहीं रही, इतनी खतरनाक वहां पे ओलावृष्टि हुई. हेल स्टोन्स, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरे जो कॉर्न थे वो बर्बाद हो गए थे. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो थे वो प्लांट्स हट गए थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और फार्मर जो लेंचो है वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था. एंड द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. अब यहाँ पर ये बोल रहा है, उदास है और अपनी फील्ड में खड़ा हुआ है, तूफान जा चुका है, और वहां पे अपने लड़कों को बोल रहा है कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी कि जो आपने सुना होगा एक अनयूजुअली बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसेक्ट्स आते हैं कई बार, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं टिड्डे जो है बेसिकली वो आते हैं, तो वो इस चीज के लिए बोल रहा है कि अगर वो आ जाते हैं ना तो वो इससे ज्यादा छोड़ के जाते खेत में अनाज या कॉर्न जो है जितना इन्होंने खराब किया. यहाँ पे आपको मीनिंग दे रखा है लोकस्ट का, इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो क्रॉप्स बर्बाद करते हैं बेसिकली. दिस द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, उस रात वो लोग बहुत दुखी थे, वो बहुत ही दुख भरी वाली रात थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतनी मेहनत करी और हमें कुछ नहीं मिला. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे रहेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन वो लोग जो उस वैली, सिंगल वैली में रहते थे, सिंगल फैमिली रहती थी पूरी वैली के अंदर, उनके फिर भी दिलों में एक उम्मीद थी कि हमें भगवान मदद कर सकते हैं. डोंट बी सो स्टूपिड, इवन दो द सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब यहाँ पर आपस में कॉन्वर्जेशन चल रही कि इतने अपसेट मत हो, ठीक है, इतने ज्यादा दुखी मत हो, कोई भी हमारा पूरा नुकसान नहीं हुआ है और कोई भी भूखा नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही बहुत लोग सब कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस. अब यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कंसाइंस का कि भाई एक इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, जो आपके अंतर मन में एक एक आपकी फीलिंग होती है कि भाई क्या गलत है क्या नहीं सही है, एक चीज की आपको समझ होती है सब. वहां पर यही सिखाया गया है लेंचो को भी कि हम बस एक ही उम्मीद है, पूरी रात वो यही सोचता रहा कि बस एक उम्मीद है हेल्प की, वो है भगवान से मदद की.
जिसकी आंखें सब कुछ देखती रहती हैं, और जैसा कि बचपन से बच्चों को बताया जाता है कि भगवान सबको देख रहे हैं, एक मन में भी झांक करके भगवान देख लेते हैं कि किसके मन में पाप है किसके मन में पाप नहीं है, वो वाली चीज यहाँ पे बोली गई है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। भले लेंचो जो था वो एक तरीके से ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही ज्यादा बलवान था, ठीक है, वो एक जानवर की तरह काम कर लेता था बहुत ज्यादा फील्ड के अंदर, लेकिन फिर भी उसको पता था कि वो लिखना पढ़ना जानता था, यानी कि वो लिटरेट था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब आने वाले संडे पे उसने क्या किया, डे ब्रेक जो दिन का समय था उसमें उसने एक लेटर लिखा, ठीक है, जो वो खुद से लेकर के जाने वाला था मेल के अंदर। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब यहाँ बेसिकली हमारा जो चैप्टर का टाइटल है वो वाली लाइन आ गई है कि वो और कुछ नहीं था, वो एक लेटर था जो वो गॉड को लिख रहा था। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब बेसिकली ये पहले वहां पर अपनी ग्रीटिंग लिख रहा है और ये लिखता है कि गॉड, जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे आपकी जरूरत है, मदद की जरूरत है, मैं और मेरी फैमिली जो इस साल भूखे मर जाएंगे, मुझे 100 पैसोस, पैसोस इनकी करेंसी है जो लैटिन अमेरिका में कंट्रीज में समय उस समय यूज किया करते थे, आपके यहाँ पे मीनिंग भी देखा दे रखा है, मुझे 100 पैसों की जरूरत है दोबारा से अपने खेत में बुआई करने के लिए, ठीक है, और तब तक चलने के लिए, जब मेरी फैमिली को पालने के लिए जब तक कि मेरी क्रॉप्स उग नहीं आती क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। उसने गॉड लिखा, टू गॉड लिखा, जिसको हम बेचते हैं उसके लिए लिखते हैं ना टू गॉड, एड्रेसी एनवलप पे वो लिखा, लेटर रखा अपने साथ में और थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ वो वहां से चल गया, चला गया, और वो जा करके उसने वहां पर टाउन की तरफ गया है क्योंकि वो तो वैली में रहता था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस गया, स्टैम्प लगाया और फिर मेल बॉक्स में वो डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब यहाँ पर उसका जो मेल बॉक्स खुला, वहां पर जो एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस के, वहां पर एक पोस्टमैन था, वो उसने लेटर निकाला पोस्ट ऑफिस में से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे ले जाने के लिए, तो उसने अपने बॉस को हंसते हुए जाकर के बोला तेज से कि देखो ये क्या है, लेटर टू गॉड। तो बेसिकली यहाँ पर अब उसने अपना लेटर डाल दिया है और वहां पे पोस्ट ऑफिस में वो लेटर खोल भी दिया गया है और फिर वहां पर वो चीज सबके सामने आ गई है कि यहाँ पर एक लेटर जो है वो गॉड के लिए लिखा गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज हम इतना ही करेंगे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्लीज कॉन्जर अप योर प्रॉब्लम्स, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स वेरी सून। हैव अ नाइस डे अहेड।